बारे में अक्सर ये कहा जाता था पहले भी कि ऋषभ पंत बहुत गाड़ी चलाने का उन्हें बड़ा शौक भी है, लेकिन वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। और आज एक वीडियो भी लगातार चल रहा है, वायरल है, जिसमें उन्हीं के साथी खिलाड़ी शिखर धवन ऋषभ पंत से बात कर रहे हैं और शिखर धवन उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक ही सलाह तुम्हें देना चाहता हूँ, और वो ये कि गाड़ी धीरे चलाया करो। वो वीडियो भी आप देखिए। बात तो हंसी मजाक में हो रही है, लेकिन सलाह जो दी ऋषभ पंत को शिखर धवन ने वो बड़ी गंभीर है। भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। ठीक है, मैं आपके एडवाइस लेता हूँ, ये मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा आपसे। ऋषभ पंत का ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले भी ऋषभ पंत का 2 बार कम से कम चालान हो चुका है ओवर स्पीडिंग की वजह से, और वो अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो गाड़ी बहुत तेज चलाते थे। पहले भी देखिए ओवर स्पीडिंग के चालान उनके हो चुके हैं। एक बार 25 मई को हुआ है, 22 फरवरी को हुआ है 2022 में, 4 सितंबर 2022 को भी इसी तरह एक आपको याद होगा सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की भी ऐसे ही मौत हुई थी। ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने से भारत के लोग बड़े दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने उनके परिवार के लोगों से बात की है और उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि इसमें सीखने वाली बात क्या है। ऋषभ पंत की जो गाड़ी है, उनकी गाड़ी का मॉडल था मर्सिडीज AMG GLE, ये मॉडल है। ये गाड़ी जो है ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल सकती है और 5 सेकंड में ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। महंगी गाड़ी है, लेटेस्ट गाड़ी है, और ऋषभ पंत के साथ हुई इस सड़क दुर्घटना को आप सिर्फ एक हादसा नहीं मान सकते। इसमें बताया जा रहा है कि लेटेस्ट इसके सिक्योरिटी फीचर्स थे, और जैसा मैंने आपको बताया ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चल सकती है। लेकिन गलती कहां हुई? गलती 2-3 जगह पर हुई है। ऋषभ पंत जरूरत से ज्यादा तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। ये सुबह 5 बजे की बात है और उन्हें नींद आ गई। इसका मतलब वो ठीक से सोए नहीं होंगे रात को। वो दिल्ली से रुड़की जाने का उन्होंने फैसला किया, जो कि एक गलत फैसला था। इस सड़क दुर्घटना से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी सीख तो यह है कि गाड़ी कभी भी इतनी तेज रफ्तार से ना चलाएं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ऋषभ पंत को इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। उनकी गलती नंबर एक तो यह है। दूसरा, रात में वो निकल गए दिल्ली से रुड़की जाने के लिए और उनकी नींद शायद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उन्हें नींद आ गई। ऐसे समय में उन्हें अपने साथ एक ड्राइवर रखना चाहिए था, और ऋषभ पंत एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि ड्राइवर को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे समय में जब भी यात्रा करनी होती है तो लोगों को अपना ड्राइवर साथ में रखना चाहिए, लेकिन वो खुद गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान वो बिल्कुल अकेले थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब आप इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आप देश की धरोहर बन जाते हैं। आपका जो काम है वो अपने आप को संभाल कर रखने का भी है, और ऐसे समय में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रात के 3 बजे हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाकर जा रहा है, और वो भी इतनी तेज ओवर स्पीड करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क चाहे कितनी भी बेहतरीन हो, आप अच्छी से अच्छी लेटेस्ट गाड़ी चला रहे हो, लेकिन हादसा कभी भी हो सकता है। ये लेटेस्ट कार थी, हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और इसमें बाद में आग लग गई। बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत आज भी जीवित है, और वो इसीलिए जीवित हैं क्योंकि जो गाड़ी थी ये लेटेस्ट थी, इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स थे ये अच्छे थे, जिसकी वजह से उनकी जान किसी तरीके से बच गई। तो इसमें जो है नसीहतें तो बहुत सारी हैं। आपको याद होगा साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट भी ऐसे ही हुआ था, उन्हें भी एक ड्राइवर रखना चाहिए था, उन्होंने ड्राइवर नहीं रखा, उनके दोस्त जो है वो गाड़ी चला रही थी। इसी प्रकार से ऋषभ पंत भी खुद गाड़ी चला रहे थे, और ये एक बहुत बड़ी सीख है बाकी के लोगों के लिए भी।